कोऽहं कथमिदं जातं को वै कर्तास्य विद्यते उपादानं किमस्तीह विचार सोयमीदृशः। अब बता तो दिया है कि विचार करो, अब क्या विचार करना है? विचार करने की प्रक्रिया बताते हैं। पहला विचार, को हम कौन है, ये विचार है। क्या हम पति पत्नी भाई बहन माँ बाप हैं? क्या हम स्त्री पुरुष हैं? क्या जवान बूढ़े हैं? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है? कौन है हम? इसको विचार कहते हैं। को हम कथम इदम जातम, इदम माने है जगत, ये जगत कब निर्माण हुआ, कैसे निर्माण हुआ, किसने निर्माण किया, कौन है इस जगत का निर्माता, मैंने तो नहीं किया, किसने निर्माण किया, जब कब हुआ ये और कैसे निर्माण हुआ जगत, कथम इदम जातम। फिर को वही कर्ता से विद्यते, किसने इस जगत को निर्माण किया, कौन है इसका कर्ता। होगा तो मैं जाके उसकी गर्दन पकड़ूंगा कि क्यों तुमने दुनिया में ये दुख निर्माण किया है। फिर उपादानम किमस्ति यह, जगत का उपादान कारण क्या है। देखो जैसे आभूषणों का उपादान कारण सुवर्ण होता है, बर्तनों का, मिट्टी के बर्तनों का कारण उपादान कारण मिट्टी होता है, वैसे इस जगत का उपादान कारण क्या है, ये हमको विचार करना है। विचार सोयमी दृशहा, देखो इसको कहते विचार करना। तो कितनी बातें बताई, को हम एक, कथमिदम जातम दो, को वे कर्ता से विद्यते तीन, उपादानम किमस्ति है चार, विचार सोयमी दृशहा, ये चार बातों के बारे में चिंतन करना है। तो पहले को हम अपने को पहले समझो, फिर दूसरे को समझने का प्रयत्न करो, फिर दुनिया क्या है, फिर इसके बाद विचार करो, फिर किसने निर्माण करी दुनिया, ईश्वर के बारे में विचार करो। तो पहले मैं कौन हूँ, ये दुनिया क्या है, माने जीव क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, कौन इसका कर्ता है, और ये सब किस आधार पर टिके हुए है, उपादान किमस्ति है, ये चार बातों का हमको चिंतन करना है। आपको स्मरण होगा तो आपको हमने बताया था सुबह के या कल के विचार में कि जैसे अपने भगवद्गीता के 15वें अध्याय में पहले 3-4 श्लोकों में जगत का निर्णय होता है, अयम अमुक अमुक जगत है, लेकिन ये मत समझो कि ऐसा जगत है, न रूपमस्य तथोपलभ्यते, यानी चिंतन करो तो ये जो बताया है ऊर्ध्व मूल मध्य शाखा मको कहीं नहीं दिखेगा। फिर बताया है कि ये जगत के साथ करना क्या है, ये जगत इसलिए बताया है कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्वा, इस जगत में आसक्त होकर के ना रहो, इसके लिए बताया, माने जगत का वर्णन जगत का त्याग करने के लिए, पकड़ने के लिए नहीं बताया। और जगत का भी त्याग केवल एक ज्ञान से ही हो सकता है, क्या, कि आसक्ति यह काल्पनिक है, आसक्ति सत्य नहीं है। देखो भ्रांति है, कोई किसी से आसक्त नहीं है। देखो महाराज, हम सबके जीवन में हमारे कोई नियर डियर जो है, कोई माताजी, पिताजी, भाई बहन, कोई ना कोई मरे हैं। तो जब वो मर गए थे उस समय हमारे मन की स्थिति क्या थी, और इस समय कुछ साल बीत जाने के बाद अभी भी हम वही है, वो घटना भी वही है, उनका मृत्यु भी वही है, लेकिन क्या हम इतने दुखी होते हैं क्या, अभी नहीं। कारण क्या है, उस समय दुख का कारण आसक्ति था, यदि उसी समय समझ लेते हैं कि ये आसक्ति वास्तविक नहीं है, ये भ्रांति है, तो थोड़े समय के लिए रो धो लो, दुनिया में रहना है तो रोना पड़ता है, लेकिन ये सत्य नहीं है। इस प्रकार से को हम कथम इदम जातम, दूसरा विषय आता है कथम इदम जातम, यह जगत क्या है। देखो जगत के बारे में पूछ बताते हैं, जगत नाम की कोई वस्तु है नहीं, फिर हम कौन हैं उसके बारे में बताते हैं कि जीव का प्रसंग,
भगवद गीता के 15वें अध्याय में ही आता है, मम एव वंशो जीवलोके जीव भूत सनातनः मम एव अंशः। मेरे वंश में नहीं वो शब्द, मम एव वंशो जीवलोके मम एव अंशे अंशः जीवलोके, मेरा ही एक अंश जीव बन करके आया है। तो कल्पना समझना क्या है इसको, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, अगेन यहाँ ज्ञान की बात आई, ये हम समझते नहीं। फिर हमने देखो भगवान ने भी कहा है ना, भगवान पूर्ण है और हम जीव अंश है, देखो, और भगवान अंशी है। अरे भैया अनंत में अंश काल्पनिक होता है, अनंत का अंश नहीं हो सकता, देखो, फिर उसमें फंस जाओगे आप। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, जो विमूढ़ वो नहीं समझ पाएंगे, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जो ज्ञान के चक्षु को खोल बैठे उनको ही समझ में आएगा। अच्छा प्रभु, उसके पश्चात मैं कौन हूँ, मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनं च वेदेश सर्वी अहम एव वेद्या, मैं कौन है, इस जगत को संपूर्ण रूप से प्रकाशित करने वाला ये मैं हूँ, मैं ही जागृत सपना सुषुप्ति समाधि को प्रकाशित करता हूँ, इस मैं को जानना है कोहम। और कौन है इसका कर्ता, यदा आदित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम, वहाँ से निकल करके अपने हृदय तक जो सब में व्याप्त है ईश्वर, वो इस जगत का कर्ता है। इसका उपादान क्या है, उपादान कारण क्या है, वही परमात्मा है, उसकी प्रकृति है। इस प्रकार से विचार करना, सोयम विचार ईदृशः,